तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। आज हम लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में इस पर पूछे जाते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन को फील करते हैं एचपी और वीपी के बीच। ये रहा आपके सामने। तो फ्रेंड्स, अगर आप गौर से देखें तो ये एचपी, ये वीपी और ये रही एक्चुअल लाइन विच इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन, जो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है। अब इस लाइन का फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश ये है, इस लाइन का टॉप व्यू ए बी। आप ध्यान से देखिए, फ्रंट और टॉप दोनों एक्स वाई लाइन से इंक्लाइंड नजर आ रहे हैं और दोनों ही रिड्यूस लेंथ है। मैंने बोला दोनों ही एक्स वाई लाइन से इंक्लाइंड नजर आ रहे हैं और दोनों ही क्या है, रिड्यूस लेंथ है, जिसको हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन होगी तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों रिड्यूस लेंथ देखेगा। अब यहां पर एक और बहुत मजेदार चीज है जिसको हम प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि बेटा इस लाइन ने जो एचपी से एंगल बनाया है, क्या वही एंगल आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है? और इस लाइन ने जो वीपी से एंगल बनाया, मतलब इस लाइन ने जो वीपी से एंगल बनाया, क्या वही एंगल आपको टॉप व्यू में दिख रहा है? द आंसर इज नो। बेटा ये जो यहां जो एंगल दिख रहे हैं एक्स वाई लाइन से, जो एंगल नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअल लाइन ने एचपी और वीपी से बनाए ही नहीं है, ये अपेरेंट एंगल है। जी मैं फिर से दोहरा रहा हूं शब्दों को, ये लाइन जो इंक्लाइंड है वो रिड्यूस लेंथ भी है और अपेरेंट एंगल पर इंक्लाइंड दिख रही है, मतलब ट्रू एंगल नहीं है। और ये लाइन जो दिख रही है वो भी रिड्यूस लेंथ है और वो अपेरेंट एंगल पे दिख रही है। अब अपेरेंट एंगल क्या होता है? अपेरेंट का मतलब अवास्तविक, जो लाइन ने बनाया नहीं, जो दिख ही नहीं रहा है। और हम यहां पर प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर में कि अपेरेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू इंक्लिनेशन। ट्रू एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा और फाई से, जो आपने हमारी लास्ट कंडीशंस में देखा है, और अपेरेंट एंगल को हम डिनोट करेंगे यहां पर अल्फा और बीटा से। और ये अल्फा बीटा थीटा फाई पूरे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन प्लेन सॉलिड सेक्शन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्लेन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अपेरेंट एंगल पर बेस्ड होंगे। मैंने अभी ही प्लेन के बारे में आपसे बात कर दी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस लाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपके पास बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट और टॉप बना रहे हैं, सिंपल। तो मैं यहाँ एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और अब मैं सिंपल सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। तो फ्रंट व्यू मैं अगर आप गौर से देखें तो मुझे बताइए, ये जो ए डैश दिख रहा है वो एक्स वाई लाइन के पास है कंपैरिजन टू बी डैश। आप देख सकते हो ए एच पी के पास है और बी एच पी से दूर है, मतलब ए डैश एक्स वाई लाइन के पास और बी डैश एक्स वाई लाइन से दूर। तो मैं दो पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, एक को एक्स वाई लाइन के पास ले लिया और एक को एक्स वाई लाइन से दूर ले लिया, और इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन करा तो ये आ गया आपके पास लाइन का फ्रंट व्यू। मैं नेमिंग कर देता हूं ए डैश और बी डैश। अब मुझे इसका टॉप व्यू चाहिए, और अब सब जानते हैं कि ए डैश का टॉप व्यू जो ए होगा वो इस प्रोजेक्टर पे मिलेगा और बी डैश का टॉप व्यू जो बी होगा वो आपको इस प्रोजेक्टर पे मिलेगा। तो अब आपको टॉप व्यू चाहिए, मतलब ये ए बी चाहिए। अब ये ए बी को अगर आप गौर से देखें तो देखो ये ए वीपी के पास है और ये जो बी है ये वीपी से बहुत दूर है। एज अ रिजल्टेंट टॉप व्यू जो इसका होगा वो ए एक्स वाई लाइन से पास होगा और जो बी होगा वो एक्स वाई लाइन से क्या होगा बेटा, दूर होगा। तो आइए मैं एक्स वाई लाइन से पास ए और एक्स वाई लाइन से दूर बी ले लिया और इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो ये आ गया आपके पास लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का टॉप व्यू, जिसको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। मतलब ये लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन के फाइनल प्रोजेक्शन है। फाइन, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फाइनल प्रोजेक्शन आ गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां पर कहीं पर भी अब हमें ट्रू लेंथ नहीं मालूम, हमें लाइन का ट्रू एंगल नहीं मालूम। तो अब हम ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल निकालेंगे किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो अभी हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि हम उल्टा चल रहे हैं। उल्टा मतलब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर लाइन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू गिवन है और ये डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर आपको गिवन है, जैसे यहां से लेकर इस प्रोजेक्टर से इस प्रोजेक्टर तक का जो ये डिस्टेंस है ये आपको गिवन है, सपोज करो 50 mm, और आपको ये लेंथ गिवन है सपोज करो 70 mm, जो कि ट्रू लेंथ नहीं है। अब वो आपसे कहता है कि लाइन की ट्रू लेंथ निकालो और लाइन का ट्रू एंगल निकालो। तो देखिए कैसे काम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले
मैं आपसे कहूंगा कि अब आपको उन कंडीशन और उस लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो ये कहती थी, व्हेन अ लाइन इज सीन एज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन इन द टॉप व्यू, सो इट्स ट्रू लाइन विल बी सीन इन द फ्रंट व्यू एंड इट्स वाइस वर्सा, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं उसी की हेल्प से यहां पर ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल निकालने जा रहा हूं। तो आइए एक बार उस कंडीशन को देखते हैं जो हमने लास्ट क्लासों में पढ़ा है। ये रही एक्स, ये रही वाई, ये मैंने लाइन बनाई ए डैश और बी डैश, और मैं इसका टॉप व्यू सपोज करो मैंने नहीं बनाया। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बेटा ये ट्रू लेंथ होगी या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? अपने आप को जवाब दो और आप बताओ आपका जवाब क्या होगा, ये ट्रू लेंथ होगी या नहीं। तो पता है आंसर क्या है? आंसर है सर नहीं बता सकते, सर मे बी ये ट्रू लेंथ होगी और मे बी ये ट्रू लेंथ नहीं होगी, हो सकता है। सर अगर आप हमें टॉप व्यू बता दो तो अब हम बता देंगे कि ये ट्रू लेंथ होगी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी को समझाने। मैं अगर टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के पैरेलल बना देता हूं ए बी, तो अब आप कहोगे ये ट्रू लेंथ है। और अगर मैं इस टॉप व्यू को एक्स वाई लाइन के पैरेलल नहीं, एक्स वाई लाइन से इंक्लाइंड बना देता हूं, तो अब ये किसी भी कीमत पे ट्रू लेंथ नहीं है, ये इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन। इसका मतलब फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ है या नहीं है ये टॉप देख के पता चलेगा, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ है या नहीं है ये फ्रंट देख के पता चलेगा। आइए इन्हीं चीजों को थोड़ा बारीकी से समझने जा रहे हैं। मैं इसको रब करता हूं और मैं इसको एक्स वाई लाइन के पैरेलल बना देता हूं। बस बेटा बहुत ध्यान से देखिए, अब मैं कह रहा हूं ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल है इसलिए ये ट्रू लेंथ है। आइए इसको समझे, ये हमारी कौन सी कंडीशन है, लाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब मैं आपसे बोलता हूं ये बताओ बेटा, अगर मेरे पास कोई लाइन है और मैं कह रहा हूं ये वीपी के पैरेलल है, तो हाउ विल यू प्रूफ दैट कि ये वीपी के पैरेलल है? अच्छा पहले ये सुन ले कि इंटरसेक्ट करके नहीं जा रही, बाय डिफॉल्ट ध्यान रखिएगा जब भी मैं बोलूं पैरेलल है तो ये सुनिएगा वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर ये वीपी के पैरेलल है तो आप कैसे प्रूफ करोगे? तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, इस एंड और इस एंड का डिस्टेंस वीपी से बराबर होना चाहिए, तो लाइन किसके पैरेलल हो गई, वीपी के, तो ट्रू लेंथ कहां मिलना चाहिए, वीपी में, फ्रंट व्यू में। कौन सा डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ये दोनों एंड का डिस्टेंस वीपी से। अब ये दोनों एंड का डिस्टेंस कैसा है, क्या ये दोनों एंड का डिस्टेंस ये है ऐसा इन फ्रंट? तो बाप बताओ बेटा ये दोनों डिस्टेंस मुझे कहां से नजर आएंगे, कहां से ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे सकते हैं, टॉप से या फ्रंट से? तो ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो ये डिस्टेंस आपको कहां से दिखाई देंगे बेटा, टॉप से दिखाई देंगे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर किसी लाइन के दोनों एंड का डिस्टेंस टॉप से देखने पर एक्स वाई लाइन से बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि वो उस लाइन का प्रोजेक्शन है जो लाइन वीपी के पैरेलल है और उसकी ट्रू लेंथ वीपी पे मिलेगी। मैंने फिर कहा बेटा आपसे कि अगर दोनों एंड का डिस्टेंस वीपी से बराबर है टॉप से देखने पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन वीपी के पैरेलल है, और अगर लाइन वीपी के पैरेलल तो ट्रू लेंथ कहां मिलना चाहिए, वीपी पे। तो जरा गौर से देखिए, साबित हो गया, प्रूफ हो गया वो ये कि ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये टॉप से देख रहे हैं हम, टॉप से, और टॉप से जो डिस्टेंस होते हैं वो कौन से प्लेन से नजर आते हैं, वर्टिकल प्लेन से। तो मैं ये कहूंगा ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस जो एक्स वाई लाइन से दिख रहा है एक्चुअली ये वर्टिकल प्लेन से, और दोनों डिस्टेंस बराबर दिख रहे हैं इसलिए लाइन वीपी के पैरेलल है और उसकी ट्रू लेंथ आपको फ्रंट व्यू में मिलेगी। या फिर इसका उल्टा अगर मैं बोलता, जैसे हमारी इसके बाद वाली कंडीशन थी जो कि क्या कहती थी, अगर किसी लाइन का फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के पैरेलल है तो ट्रू लेंथ टॉप व्यू में होगी, लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। कैसे? क्योंकि बेटा ये जो डिस्टेंस ये कौन से प्लेन से है, एचपी से। तो मैं कह रहा हूं किसी लाइन के दोनों एंड का डिस्टेंस एचपी से बराबर है, तो लाइन किसके पैरेलल हुई, एचपी के, तो ट्रू लेंथ कहां पर होना चाहिए, एचपी में, मतलब टॉप व्यू में। बस बेटा हमें ट्रू लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करें, हम कुछ ना करें, हम किसी भी एक व्यू को, या टॉप या फ्रंट, किसी भी एक व्यू को एक्स वाई लाइन के पैरेलल कर दें और अब उसका फ्रंट व्यू कैप्चर करने जाएंगे तो ट्रू लेंथ मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये वो पोजीशन है बेटा जहां पर बच्चों के अक्सर सवाल होते हैं टीचरों से कि सर हमने ऐसा क्यों किया, और बहुत से लोग उस क्यों का जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों से, उन सभी टीचरों से जो पढ़ा रहे हैं, प्लीज लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, कहीं कोई डाउट आए प्लीज कमेंट करिए और प्लीज पूछिए, मैं 100% आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बेटा अब मैं ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल निकालने जा रहा हूं, तो क्या करूं, जैसा कि हमने यहां देखा
अगर मैं किसी भी एक व्यू को एक्स वाई लाइन के पैरेलल कर दूं तो क्या मुझे ट्रू लेंथ मिल जाएगी? द आंसर इज बिल्कुल सही। तो मैं टॉप व्यू को एक्स वाई लाइन के पैरेलल करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं प्रिकॉशन के लिए, मैं एक्स वाई लाइन के पैरेलल पहले ही एक लाइन खींच देता हूं ए से, और ए एंड को मैं फिक्स रखूंगा, मतलब इसको चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको घुमाऊंगा तो किसी एक एंड को फिक्स रखना ही पड़ेगा। सर आपने ये लाइन क्यों खींची? इसलिए ताकि जब मैं आर्क लगाऊं तो मैं आर्क में रुकूं कहां, ऊपर नीचे ना चला जाऊं, मुझे एग्जैक्ट पैरेलल लाइन चाहिए, इसलिए मैंने पहले से एक लोकस ड्रॉ कर दिया। अब मैं अपना कंपास उठाता हूं और कंपास से ए से लेकर बी तक का रेडियस लिया और ये आर्क लगाता हूं पूरी तरह। तो ये देखिए, ये गया आर्क और एग्जैक्टली आकर मैंने इसको यहां पर रोक दिया। तो अगर आप गौर से देखें ध्यान से, तो अब जो B की अगली पोजीशन आ गई दैट इज कॉल्ड B1, और मैं A और B1 को ले जाकर यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। ये रहा। अब मुझे क्या चाहिए? इस लाइन का फ्रंट व्यू तो ये था, अब मुझे इस लाइन का फ्रंट व्यू चाहिए जिसमें इस लाइन में ये वाला एंड तो चेंज नहीं हुआ, ये रहा। तो इसका मतलब मुझे इस एंड का फ्रंट व्यू चाहिए, और इस एंड का फ्रंट व्यू कहां मिलेगा बेटा? इसी के प्रोजेक्टर पे। तो मैं यहां से एक प्रोजेक्टर ये डाल देता हूं, और अब सवाल पैदा होता है, सर ये B1 का B1 डैश यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, अब उसका कैसे पता लगाएं? बहुत आसान है, कुछ ना करें, एक्स वाई लाइन के पैरेलल बी डैश से एक लोकस ये ड्रॉ कर दें, ये ड्रॉ कर दें। जैसे ही मैंने ये बी डैश के पैरेलल एक लोकस ड्रॉ करा, मेरे दोस्त ये जो पॉइंट मिला दैट पॉइंट इज कॉल्ड B1 डैश, और इस B1 डैश को अगर मैं A डैश से जोड़ दूं तो मुझे इस लाइन का फ्रंट व्यू मिल जाएगा। जैसे ही मैंने इसको ले जाकर A डैश से जोड़ा, मुझे ये मिल गया फ्रंट व्यू इस लाइन का। और बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये रही आपके पास ट्रू लेंथ, और ये जो एंगल आया वो अब आया है आपके पास ट्रू एंगल, और जो पीछे एंगल दिख रहा है वो अपेरेंट एंगल, और अपेरेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू इंक्लिनेशन। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत अच्छे सवाल इन पर बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन यही रोकूंगा, नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सर आपने ये लाइन क्यों ड्रॉ करी? बेटा यही रुक जाइए, बहुत ये वो बातें बेटा जिनको बच्चे रट लेते हैं बाय हार्ट, जैसे आप लोग भी सुनेंगे, ओके सर मजा आ गया, ये मिल गई ट्रू लेंथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सर इसको आगे बढ़ा देते और यहां पर B1 डैश ले आते तो अब जो आता वो इस लाइन पर मिल जाता, सर एंगल भी चेंज नहीं होता और शायद वो ट्रू लेंथ होती, मैं अगर ऐसा करता तो वो आपको सही लगता, पर सर आपने यहां से लाइन क्यों खींच दी, ये क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करा। यहां पर देखो आप फिजिकली, मैंने ए पे प्रकार की नोक रखी, बी तक का रेडियस लिया और इसको घुमाया। कैसे घुमाया? कि एक्स वाई लाइन के पैरेलल ये वाला एंड यहां पर आ जाए, ये आ गया यहां, और फिर इसका प्रोजेक्शन डालकर मैंने यहां से बी डैश से एक पैरेलल लाइन खींची। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं इसको पैरेलल कर रहा हूं तो वास्तविकता में क्या हो रहा होगा, ये क्या है इस टाइम, ये है क्या, इसकी शेडो है, इस लाइन की शेडो प्रोजेक्शन, और अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो इसका मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है। जैसे मैं अगर टर्न होता हूं तो मेरी शेडो भी टर्न होती है, तो ठीक उसी तरह अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने इसको घुमाया तो इसका मतलब ये लाइन भी तो वीपी की तरफ घूमी होगी। कैसे? एक बार गौर से देखिए, ये रही लाइन और ये एक लाइन है और ये उसका टॉप व्यू है। अगर ये अभी ऐसा है वीपी से इंक्लाइंड, और अगर मैं इस टॉप व्यू को यूं घुमाता हूं तो ये फ्रंट व्यू भी बिल्कुल यूं घूमेगा, हाँ या ना? द आंसर इज बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, बिल्कुल यूं घूमेगा। पर अभी हमारा सवाल वहीं पर है, सर ये लाइन पैरेलल क्यों खींची, ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया। तो सुनिए बेटा, अगर मैं टॉप व्यू को रोटेट कर रहा हूं तो इसका मतलब जो एक्चुअल लाइन है वो भी वीपी की तरफ रोटेट हो रही, क्योंकि मैं उस लाइन को वीपी के पैरेलल कर रहा हूं, वीपी के पैरेलल कर रहा हूं, तभी तो वीपी पर क्या मिल रही है मुझे, ट्रू लेंथ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं एक्चुअल लाइन को रोटेट कर रहा हूं वीपी की तरफ, तो मुझे एक बात का ख्याल रखना होगा, वो क्या, कि जो एचपी का एंगल था वो चेंज ना हो। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं शब्दों को दोहराता हूं, मैंने बोला ये लाइन है, देखना बेटा ये अभी मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये सिर्फ किससे इंक्लाइंड है, एचपी से। अब मैं इस एंड को आपकी तरफ खींच देता हूं, ये तो अब ये किससे इंक्लाइंड हो गई, वीपी से, तो क्या ये इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन हो गई, हाँ। अब मैं बोल रहा हूं अब इस लाइन को मैं वीपी की तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि एचपी का एंगल चेंज ना हो। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं लाइन को वीपी की तरफ घुमाऊं
पर एचपी का एंगल चेंज ना हो। बस बेटा यही वजह होती है जो लोग इसको रट लेते हैं। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ करी, इतनी सी चीज, और वो समझ में आ जाए तो आपको मजा आ गया। तो सुनिएगा बेटा, अगर मैं इस लाइन को वीपी की तरफ घुमाता हूं तो मुझे ध्यान रखना है कि एचपी का एंगल चेंज ना हो। मैं क्या करूं कि एचपी का एंगल चेंज ना हो? आसान है बहुत, सुनिएगा। जैसे ये लाइन एचपी से इंक्लाइंड हुई, मैंने एक बच्चे से कहा इधर आओ, इस एंड का डिस्टेंस एचपी से नापो। उसने नापा, कहता है सर 40 mm मिला। मैंने कहा इस एंड का डिस्टेंस नापो, वो कहता है सर 60 mm मिला। अब मैं आपसे बोलता हूं अगर इस 60 को मैं 65 कर दूं तो एंगल बढ़ जाएगा या नहीं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। और अगर मैं 60 को 61 कर दूं, या सॉरी और कम कर दूं, 55 कर दूं, 58 कर दूं, तो एंगल कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बढ़ने और कम होने पर जो इसकी टॉप में शेडो है, क्या उसमें चेंजेस आएंगे या नहीं? सवाल बहुत अच्छा। आई रिपीट, मैंने बोला अगर ये एंगल है, अगर इस एंगल को मैं बड़ा करूं तो आप बताओ जो टॉप व्यू वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं छोटा करूं तो जो टॉप व्यू ये बढ़ जाएगा। पर मैंने टॉप व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं लेकर आया, इसको यूं ही ले आया। इसका मतलब मैंने ये जो काम किया होगा वो ये ध्यान रखकर किया होगा कि ये एंगल चेंज ना हो। तो सुनो बेटा, मुझे इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना और लाइन को घुमा देना है। तो अब मैं क्या करूं, क्या करूं ऐसा कि ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट बने रहे? बहुत आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से बता रहा हूं। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं एक प्लेन लेकर आता हूं और उस प्लेन को इस एंड पर, एंड ए पर, ध्यान से देखिएगा, ए पर एचपी के पैरेलल यहां लगा देता हूं, और एक और प्लेन लेकर आता हूं ये बी एंड पर, यहां पर लगा देता हूं इधर, और ये दोनों प्लेन, ये दोनों प्लेन एचपी के अगर पैरेलल हैं, आई रिपीट, मैंने बोला अगर ये दोनों प्लेन एचपी के पैरेलल हैं तो ये जो लाइन है जो एक्चुअल, अब काश मेरे तीन हाथ होते तो आप सोचिए मैं एक प्लेन नीचे पकड़ा हूं, एक प्लेन ऊपर पकड़ा हूं, ये एक प्लेन नीचे मेरे पास है और एक प्लेन ये ऊपर मेरे पास है, तो मैंने ये लाइन को यूं रख दिया। अब आप सोचिएगा कि ये वाला जो एंड है वो नीचे वाले प्लेन पर है, यहां पर एचपी पे नहीं, एचपी के पैरेलल कोई दो प्लेन है यहां पर, ठीक है? तो ये रहा ये वाला एंड। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, अब मैं इस लाइन को यूं घुमाऊं चाहे यूं घुमाऊं, जरा गौर से देखो तो ऊपर वाला एंड हमेशा इस प्लेन पर रहेगा। ये प्लेन एचपी के पैरेलल है तो ऊपर वाला एंड कहीं पर भी जाए डिस्टेंस कांस्टेंट बना रहेगा एचपी से। क्या ये बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली अगर मैं दो प्लेन, एक नीचे वाले एंड पर और एक ऊपर वाले एंड पर लगा दूं और लाइन को अब रोटेट कराऊं तो अब लाइन का एंगल कांस्टेंट रहेगा, और लाइन का एंगल अगर कांस्टेंट रहेगा तो टॉप व्यू की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो जरा गौर से देखिए बेटा और मुझे बताइए, अगर आपके सामने ये दो प्लेन हो यूं, तो सामने से देखने पे जहां से आप देख रहे हो ये दोनों प्लेन, क्या आपको एक लाइन नहीं नजर आ रहा है बिल्कुल एक्स वाई लाइन के पैरेलल? ध्यान से देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन नीचे है। तो बेटा मैंने कुछ नहीं करा, गौर से देखो ये एक्चुअली लाइन नहीं है, ये एक प्लेन लगाया है मैंने। कहां पर? इस बी एंड पर, यहां पर, इस जगह। क्यों? ताकि ऊपर वाला एंड हमेशा इस प्लेन पर रहे, जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस एचपी से हमेशा कांस्टेंट बना रहे। और एक प्लेन मैं ए डैश पर यहां पर लगाया हूं, तो अभी मैंने नहीं लगाया तो मैं लगा देता हूं, तो ए डैश पर एक प्लेन ये रहा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं लोका से लाइने, लाइने वाइने नहीं है, ये दो प्लेन हैं जिनके बीच लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन एक्ट कर रहा है। अब आप गौर से और अच्छी तरह देखो बेटा कि अगर मेरे पास ये वाला एंड यहां है तो सामने से देखने पे आपको ये एंड, मैं आपको इस पेन के कैप की मदद से समझाता हूं, यहां दिखाई देगा। पहले ये रहा, सामने से आपको यहां दिखाई दे रहा। अब मैं जब इसको यू रोटेट करता हूं तो आपको क्या लगेगा कि ये एंड इस लाइन पर यूं सरक गया, जबकि ये यू नहीं खिसका है, ये सर्कुलर आर्क में घूमा है, पर सामने से देखने की वजह से एक ही लाइन दिख रही है, तो आपको ये एंड इधर से इधर खिसकता हुआ नजर आएगा। जरा गौर करिए, फील कीजिए कि पहले ये यहां, और जब मैं इसको रोटेट कर यहां लेकर आया तो जहां से आप देख रहे हो वहां से देखने पर ये एंड यहां पहुंच गया, पर आपको दिखाई यहां दे रहा होगा। तो बेटा गौर से देखिए, ये पहले एंड यहां था, मेरा प्लेन इस जगह कहीं था, ये तो इसका प्रोजेक्शन ये था बी डैश। जब मैंने इसको इसी प्लेन पर रोटेट कराया तो अब इसका प्रोजेक्शन बी वन डैश मुझे दिखाई देने लगा और लाइन का ट्रू लेंथ मेरे पास आ गई,
ट्रू एंगल मेरे पास आ गया, और जो पहले एंगल था बेटा वो अपेरेंट एंगल था, हमने अभी अभी आपके सामने यहां पर प्रूफ करा। ये जो पहले जो एंगल बना है अपेरेंट, और उसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से, और जो दूसरा एंगल आपके पास बना है दैट इज ट्रू इंक्लिनेशन जो अभी अभी हमने निकाला, और इसको डिनोट करते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको डिनोट करते हैं हम थीटा से, थीटा से। और हमने प्रूफ करा अभी अभी आपके सामने क्या, अपरेंट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस सेमेस्टर के लिए बहुत, अपरेंट एंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू इंक्लिनेशन। तो मेरे दोस्त यही अपरेंट एंगल आपको टॉप व्यू में यहां पर भी दिखाई दे रहा है, ये रहा, और ये एंगल है यहां पर बीटा, इसको मैं डिनोट करता हूं बीटा से। अब मुझे निकालना है फाई। तो बेटा जो तरकीब अभी आपने लगाई कि आपने टॉप व्यू को एक्स वाई लाइन के पैरेलल करा, फ्रंट व्यू लेकर आए और इसको ज्वाइन करा, तो आपको ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल मिल गई। अब यही तरकीब आप उल्टा करो, उल्टा मतलब समझ रहे हो ना, ये कि अगर मैं फ्रंट व्यू को एक्स वाई लाइन के पैरेलल कर दूं तो टॉप व्यू में मुझे ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो आप वीडियो पॉज करिए और अब आप सोचिए कि क्या इसके आगे आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आगे काम करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, मैं कंपास उठाता हूं प्रकार, और प्रकार से लेकर ए डैश से लेकर बी डैश मेजर करता हूं। ये मेजर करा मैंने ए डैश से बी डैश, और मैं इस आर्क को लेकर आऊंगा कब तक, जब तक ये लाइन एक्स वाई लाइन के क्या ना आ जाए, पैरेलल। तो देखिए ये आ गया पॉइंट एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, जो ये पॉइंट आया वो अब बी की अगली पोजीशन आ गई। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम मैं लिख देता हूं बी टू, बी टू डैश को ले जाकर मैं ए डैश से यहां पर ज्वाइन कर देता हूं बी टू डैश। अब मुझे क्या चाहिए, बी टू डैश का टॉप व्यू चाहिए, तो वो इस लाइन पर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस लाइन को प्रोजेक्ट कर देता हूं यहां पर, ये रहा प्रोजेक्टर। अब मुझे बी टू डैश का बी टू चाहिए, तो बी टू कहां मिलना चाहिए, सिंपल है, अब बी से एक एक्स वाई लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दूं लाइन। जैसे ही मैंने एक्स वाई लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी, मेरे दोस्त जरा गौर से देखिए, आपको यहां पर मिल गया क्या, बी टू, और इस बी टू को ले जाकर मैं ए से ज्वाइन कर देता हूं। ये रही मेरे बच्चे आपके सामने ट्रू लेंथ, जो कि पहले भी आ चुकी थी, और ये एक्चुअली अब हमने इसलिए निकाला ताकि हम ट्रू एंगल निकाल सकें, और ये रहा आपके पास ट्रू एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं काहे से बेटा, फाई से। तो हम लिख सकते हैं क्या, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाई, मतलब अपरेंट एंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू इंक्लिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ये, बहुत। यहां पर क्या चीज बहुत ध्यान रखने वाली, वो ये कि सर ये पॉइंट यहां क्यों नहीं, क्यों मिला यहां क्यों नहीं, सर ये लाइन क्या है, ये लाइन कुछ नहीं, ये प्लेन है, दो प्लेन, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, कहां से ये दोनों लाइनें दिख रहे हैं, फ्रंट से। ठीक इसी तरह अब मैं आपसे कहता हूं कि जरा गौर से देखो बेटा, अगर ये प्लेन वीपी के पैरेलल ये रहा और एक प्लेन वीपी के पैरेलल ये, तो बताओ बेटा टॉप से ये दोनों प्लेन एक लाइन दिखेंगे या नहीं। ये देखिए टॉप से, ये दोनों प्लेन टॉप से आपको एक लाइन नजर आएंगे, कहां से, टॉप से। तो ठीक इसी तरह टॉप व्यू में दो प्लेन कहां है, एक ये ग्रीन वाली लाइन ये और एक ये। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बी टू यहां क्यों मिला और ये लाइन मैंने क्यों खींची, दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब हम आने वाले लेक्चर्स में इस कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको यहां पर रब करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमारे सामने निकल कर आए हैं मैं उनको आपके सामने लेकर आऊंगा, और उन पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, बहुत आसान तरीका, जो आप बिल्कुल यूं कर कर कैसा भी लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन पर कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। हमने लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन जो अभी पढ़ा वो हमारी फर्स्ट वेराइटी का था, अभी इसमें दो वेराइटी और हैं जिनके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे, दैट मीन्स कुछ आने वाले लेक्चरों में बात करेंगे। अभी हम इस कंडीशन पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा अब जो लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 12 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। तो मैं इसको रब करता हूं, आप ध्यान से यहां देखिएगा। ओके देखिए बेटा 12 डेटा क्या है यहां पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रू लेंथ, दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं थीटा, तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं फाई, चौथे नंबर पे मैं बात करता हूं
लोकस ऑफ ए डैश, दैट मींस ये ग्रीन वाली लाइन, ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पांचवा डेटा आपके पास लोकस ऑफ ए, दैट मींस ये डिस्टेंस। फिर छठा डेटा आपके सामने लेकर आऊं तो उसको मैं कहता हूं लोकस ऑफ बी, और छठे नंबर पे ये नहीं, छठे नंबर पे मैं कुछ और लिखता हूं, माफी चाहता हूं। छठा डेटा है आपके पास लेंथ ऑफ टॉप व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लेंथ ऑफ टॉप व्यू का क्या मतलब? लेंथ ऑफ टॉप व्यू का मतलब ए से लेकर बी तक की लंबाई, मतलब ए बी वन, ए बी वन, मैं इसको कहता हूं लेंथ ऑफ टॉप व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू। ठीक इसी तरह सातवें नंबर पर जो अगला डेटा है मेरे पास वो ये है लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ मतलब ए डैश से लेकर बी टू डैश तक की लंबाई, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, सॉरी इसको वी लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। तो देखिए मैं आगे लिखता हूं, सेवंथ नंबर पर है आपके पास लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। अब एट्थ नंबर पर मैं लिखता हूं लोकस ऑफ बी डैश और बी वन डैश। ये और क्यों? क्योंकि बेटा बी डैश और बी वन डैश दोनों का लोकस सेम है। ठीक इसी तरह टॉप व्यू में बी और बी टू का लोकस सेम है। तो नाइन्थ नंबर पे मैं लिखता हूं लोकस ऑफ बी और बी टू, और टेंथ नंबर पर हम लिखते हैं हमारा एंगल अल्फा, और इलेवन पे हम लिखते हैं बीटा, और ट्वेल्थ पे हम लिखते हैं डी। और डी का क्या मतलब बेटा? डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर्स। और फील कीजिए यहां पर डी क्या है, यहां पर डी कहां है, किस जगह है? तो डी है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर। फाइनल प्रोजेक्शन क्या है? ए डैश बी डैश और ए बी, इनका प्रोजेक्टर क्या है? ये रहा, ये रहा, इसके बीच जो डिस्टेंस है ये थ्रो आउट द लाइन कहीं पर चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, मतलब ये देखिएगा बेटा ये है डी आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर, ये रहा, ये रहा, मैं इसको डी कह रहा हूं। ये 12 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डेटा और दो डेटा और आएंगे बाद में जो अभी हमने नहीं पढ़े, ट्रेसेस ऑफ लाइन एचटी और वीटी, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इस कंडीशन पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा अगर आपके सामने ये कंडीशन और ये 12 डेटा हैं और ये अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा, फिर आप इंतजार करो आने वाले लेक्चर्स का, शानदार किस्म से इसी की मदद से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। एक बार और ध्यान से देख लीजिए यहां पर अच्छी तरह, ये यहां पर थोड़ा सा मैच हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं और इसको अलग से लिखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पर बीच में, बोर्ड पे जगह नहीं बची थी तो मैं इसको रब कर देता हूँ, मैंने रब कर दिया, और इसको दोबारा लिखता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अपरेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू एंगल, और नीचे देखें अपरेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? फाई। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये लाइन मैंने गलत खींच दी, ये नहीं है, सॉरी, कभी कभार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, वो ये है, इसके बीच का डिस्टेंस है, वो बहुत हौश पौश हो गया था वहाँ पर, ये बात कर रहे हैं, ये आई एम सॉरी फॉर दैट, कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द डी, डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर। डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर का क्या मतलब? अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो मैं बात करूं ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन यहां और ये लाइन, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर। मैं देखिए इसको थोड़ा सा शेडेड कर भी आपको बताता हूं, मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर, ये बेटा डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर है, मतलब इस लाइन के फाइनल प्रोजेक्शन ये है, फाइनल प्रोजेक्शन ये नहीं है, ये तो हमने निकाला था। तो फ्रेंड्स हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कंप्लीट करी, इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का जिसमें हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।